यूपी में चुनावी घमासान के बीच विपक्ष के दो दलों में संग्राम शुरू हो गया है। 2022 में बीजेपी को हराने का संकल्प लेने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि वो छोटे दलों से समझौता करेंगे, बड़ों दलों से नहीं, क्योंकि 2019 में उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। जिसके बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दलित विरोधी सोच वाले हैं। अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी में चुनावी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने बीजेपी को जिस बदलाव के लिए वोट दिया था वो उन्होंने भुला दिया है, इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को नागवार गुजरा, क्योंकि अखिलेश ने जिस बड़े दल के साथ गठबंधन न करने का जिक्र किया था वो बीएसपी के लिए था, इसलिए मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही बेहतर समझती हैं, जो कि सर्वविदित है। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेंगी। ऐसा कहना और करना समाजवादी पार्टी की महालाचारी नहीं है तो क्या है? 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, 176 सीटें जीती और छोटे दलों का साथ मिलाकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर 2019 में बुआ और भतीजे ने सियासी गठजोड़ की, लेकिन उसका अनुभव ठीक नहीं रहा, जिसके बाद सियासी गठबंधन तो छोड़िए एक दूसरों को बयान को सुनने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश के इतिहास के मुताबिक, सियासत के मुताबिक समीकरण को बिगाड़ने में माहिर है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 2022 के चुनाव में बीजेपी से लड़ने के बजाय ये दोनों आपस में ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी के बाद बड़े दलों के नाम पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है, लेकिन तीनों के साथ चुनाव लड़ने के सियासी अनुभव अच्छे नहीं रहे, इसलिए अब उनमें आपस में ही घमासान चल रहा है और सभी खुद को एक दूसरे से बेहतर दल बता रहे हैं। कुछ लोग नारों के साथ चुनाव में आएंगे पर कुछ लोग काम के साथ चुनाव में आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने अतीत में किए हुए कामों के दम पर और भविष्य के निर्माण के दम पर चुनाव में आएगी। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को पैर पे खड़े होने की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या कहता है, उसे सिर्फ जनता की चिंता रहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए बीजेपी ने एक बार फिर 350 प्लस की तैयारी की है, लेकिन उसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों को कई ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आपस में लड़कर यूपी की बड़ी जंग जीतना मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। मुश्किल ये है कि दोनों ही दल अपने को बड़ा बताने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 के चुनाव से पहले दोनों ही दलों का राजनीतिक अनुभव ठीक नहीं रहा, ऐसे में दोनों को ही ज्यादा सीटें चाहिए, दोनों ही सत्ता के दावेदार हैं, दोनों सीएम पद के दावेदार हैं और दोनों को कुर्सी चाहिए। ऐसे में साफ है कि दोनों के वोट बैंक क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन छोटे दलों के साथ समझौता करने की बात अखिलेश यादव कह चुके हैं और वो अपना पत्ता खोल चुके हैं, लेकिन मायावती ने भी अपना पत्ता नहीं खोला, लेकिन अखिलेश यादव पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती।